प्रशासनिक सर्जरी जो है वो अपेक्षित है। आमतौर पे जो भी नई सरकार आएगी वो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए, जनहित के कार्यों को गति देने के लिए स्वाभाविक रूप से अपनी पसंद के अफसरों को बिठाएंगे ही और उनको उनका दायित्व सौंपेंगे। हम देख रहे थे कि लगातार पिछले कांग्रेस के 5 साल के शासन में जनता से जो फीडबैक मिल रहा था, कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के जो फीडबैक मिल रहा था, स्वाभाविक रूप से उस पे सरकार काम कर रही थी। उसी तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी जमीनी स्तर पे प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में सारा कुछ उन्होंने समझा था, उस चीज को उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों तक पहुंचाया होगा। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें एक तरीके से सीआर जैसा बन जाती है, कौन कैसा काम कर रहा है, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो इसमें पसंद नापसंद, अधिकारियों के कार्य प्रणाली को लेके और तमाम चीजों का विश्लेषण हुआ। पिछली सरकार ने कुछ अधिकारियों को लूप लाइन में भी डाल रखा था, उन कहा जाता है कि उनका कामकाज का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन पिछली सरकार को शायद उनकी कार्य प्रणाली पसंद नहीं थी तो उन्होंने उन्हें आम विभाग दिया नहीं था। अब हम एक तरीके से दूसरे ढंग से भी देखें कि कुछ अधिकारियों को काम की जो चुनौती रहती है वो किस तरीके से वो काम कर सकते हैं और उनको किस जगह पे रख दिया गया है जहां पर वो ढंग से काम नहीं कर पाते, तो उनको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सरकार जो है वो सही जगह पे लाने की भी कवायद करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रशासनिक सर्जरी है ये इस ढंग से सही मानी जा सकती है कि अब जनता के जो काम है उसमें गति आएगी, संवेदनशीलता आएगी, जो एक दूरी बढ़ रही थी। मैं जी तो यहाँ तक कि मैंने देखा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी काम नहीं हो पा रहे थे कई क्षेत्रों में, तो अब जी मुझे लगता है कि उनके भी काम हो पाएंगे। जी